एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद के फोन के द्वारा लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं। जी हां, असद के फोन से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है वीडियो असद के लखनऊ के फ्लैट का है जहाँ पे असद रहता था। तो वहीं यूपी पुलिस के एसटीएफ की सबसे बड़ी चुनौती शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम बन के बैठा है। जी हाँ, उनके मिलने के बाद ही एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। 50,000 के इनामी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और 5,00,000 के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ चप्पे चप्पे की छानबीन कर रही है। इस बीच अब यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एसटीएफ को सफलता मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि जिस ठिकाने पर शाइस्ता है, पुलिस को उस अड्डे का पता मिल चुका है। इतना ही नहीं, पुलिस के हाथ एक और बड़ा सबूत लगा है। माफिया अतीक अहमद के चकिया स्थित ऑफिस में कई जगह खून के धब्बे मिले हैं। खून से सना चाकू और खून से सने हुए कपड़े मिले हैं। ऑफिस की दीवारों पर खून के इतने धब्बे देखकर खुद पुलिस भी चौंक गई। पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर ये खून धब्बे, खून से सना चाकू, खून से सने कपड़े किसके हैं। पुलिस को इस जगह पर शाइस्ता के आने का भी शक है। वहीं जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक जो खून के निशान हैं वो कुछ एक या दो दिन पुराने हैं। कुछ हसानी पत्रकार भी कुछ दिन पहले उस घर में पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त ये खून के निशान नहीं मौजूद थे। जी हाँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल सकता है कि जो खून के निशान हैं वो किस चीज के हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।